गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम कोई इमेज डॉकर रजिस्ट्री से ला के उसको हम एज अ कंटेनर लॉन्च करें। तो मैं सबसे पहले तो सर्वर से कनेक्ट कर लेता हूँ, सीएमडी ओपन किया, SSH, यूजर नेम, एट द रेट, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मेरा यहाँ पर है 45 डॉट, ये वाला आईपी एड्रेस मैं यूज करूंगा। और आप सभी बच्चों को बार बार ये दिक्कत आती है, रिमोट होस्ट आइडेंटिफिकेशन चेंज। मैंने कम से कम 15-20 बार मैंने बताया है कि अगर ये वार्निंग एरर आती है तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप फर्स्ट है, आपको SSH keygen कमांड यूज करनी है, डैश कैपिटल R, और सर्वर का आईपी एड्रेस डालना है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे फिर से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, यस, और यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर करूंगा। ये मैंने पासवर्ड एंटर किया। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली एक कंटेनर को हम बनाएंगे, एक एक हम इमेज बिल्ड करेंगे जो कि एक डॉकर फाइल से बिल्ड करेंगे, और उस इमेज को हम कंटेनर के लॉन्च करेंगे और देन उस पे हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने PWD किया, अभी मैं कहाँ पर हूँ, रूट में हूँ। ls-al किया, रूट पर क्या क्या अवेलेबल है वो मैंने सारी डिटेल्स देख ली। और यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम से एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने नाम से एक डायरेक्टरी बनाना। cd अनिल के अंदर गया मैं, ls-al किया, और यहाँ पर मैं बेसिकली एक फाइल क्रिएट करूंगा, डॉकर फाइल। ऑब्जेक्टिव क्या है कि डॉकर फाइल के थ्रू हमें क्या क्रिएट करना है, एक इमेज। सो डॉकर फाइल एक टेक्स्ट फाइल है जो आप विम कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, विम डॉकर फाइल। यहाँ पर विम डॉकर फाइल जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये डॉकर फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें से इस डॉकर फाइल का सबसे पहला इंस्ट्रक्शन फ्रॉम होता है, आप आई प्रेस करेंगे और सबसे पहला इंस्ट्रक्शन फ्रॉम होता है। और इस फ्रॉम का मतलब ये है बेसिकली कि आप रजिस्ट्री से, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आप बेस इमेज बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर सेंटोएस यूज करना चाहता हूँ, तो मेरी बेस इमेज क्या होगी, सेंटोएस। मान लीजिए मैं अपनी बेस इमेज क्या यूज करना चाहता हूँ, डेबियन, तो मैं डेबियन यूज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उबंटू यूज कर सकता हूँ। तो आपकी बेस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है तो वो आपको यूज करना है। तो फ्रॉम का जो पहला, डॉकर फाइल का जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वो फ्रॉम होता है, फ्रॉम स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस इमेज। तो यहां पर आप जाएंगे, यहां पर सबसे पहले आप स्टार्टिंग की शीट्स में जाएंगे, वहां पर मैंने ओएस हायरार्की आपको दे रखी है, इतनी सारी ओएस हायरार्की दे रखी है, इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेडोरा, गेंटू, डेबियन, उबंटू, काली लाइनेक्स, रेड हैट, सेंटोएस, मिंट, उबंटू, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। उनको, उनमें से आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम का कंटेनर बनाना है, सो वो इंस्ट्रक्शन हमारा डॉकर फाइल में पहला इंस्ट्रक्शन होता है। सो डॉकर फाइल क्या है, डॉकर फाइल इज अ सिंपल फाइल विच इज यूज टू क्रिएट डॉकर इमेज, एंड वंस द डॉकर इमेज इज क्रिएटेड आई कैन क्रिएट डॉकर कंटेनर। सो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज बनानी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। मैं इसको नई शीट में ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स के अंदर कम से कम अगर आप इन्वेस्टिगेट भी करें तो लगभग 100 से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स के ही मिल जाएंगे। तो उन लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में से आपको जो इमेज बनानी है वो कौन से इमेज की बनानी है, तो सबसे जो बेस्ट है वो उबंटू है, ठीक है ना। उबंटू इंडस्ट्री में वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि लिनक्स का सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है उबंटू। उबंटू जो है डेबियन बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब डेबियन क्या है, ये डेबियन इसकी फैमिली है,
अगर आप यहां पर जाएंगे शीट के अंदर और ऊपर ही ऊपर आप शीट में जाएंगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की हायरार्की नजर आएगी। यहां पर उबंटू किसके अंडर में आ रहा है? डेबियन के अंदर। देखो यहां पर आप एरो अगर नोट करेंगे, उबंटू इज कमिंग अंडर दी डेबियन। सो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम किस फैमिली को बिलोंग करता है? डेबियन फैमिली को। इसलिए उबंटू इज अ डेबियन बेस्ड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें बेस इमेज कौन सी यूज करनी है? उबंटू। अब उबंटू में हमारे पास बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है। तो यहां पर फ्रॉम, उसके बाद यहां पर मैं बेस इमेज ले सकता हूं। बेस इमेज, यहां से आपने बेस इमेज इमेज कौन सा लिया? उबंटू। बेस इमेज के बाद कोलन लगाना है, कोलन के बाद टैग। अब टैग कौन सा लेना है? हो सकता है आप जेमी यूज करना चाहें, हो सकता है नोबल, हो सकता है सबसे लेटेस्ट आप यूज करना चाहें लेटेस्ट, या रॉलिंग भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल आपके पास टैग्स अवेलेबल है। टैग्स बेसिकली वर्जन का नाम होता है, ठीक है। सो यहां पर आप, मैं यूज करना चाहता हूं लेटेस्ट, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? उबंटू कॉलन लेटेस्ट, ठीक है ना। यहां से मैंने इसको सेव किया। अब यहां पर मैं कैट करके इस फाइल को बताता हूं आपको, कैट डॉकर फाइल। ये देखिए, इस डॉकर फाइल में मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया फ्रॉम पर्टिकुलर ये ऑपरेटिंग सिस्टम कॉलन टैग नेम। तो यहां से मैं अब क्या बना सकता हूं? मैं अपनी इमेज बना सकता हूं। इतना सा आपने किया, उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन आपको क्या लिखना है? आपको अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज बनानी है, ठीक है ना। सो मेरी डॉकर फाइल क्रिएट हो गई है। अब अगला काम हमारा है उस डॉकर फाइल से क्या बनाना? इमेज बनाना। सो यहां पर आप देखिए, डॉकर फाइल से इमेज बनाने के लिए कमांड होती है जिसे लॉन्ग कमांड होती है, डॉकर इमेज बिल्ड, ठीक है ना। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम डॉकर बिल्ड बोलते हैं। मैं आपको लॉन्ग कमांड बताऊंगा। सो यहां पर मैं लॉन्ग कमांड आपको बताने जा रहा हूं, डॉकर इमेज बिल्ड। और इसी को शॉर्टकट में हम कैसे लिख सकते हैं? डॉकर बिल्ड। सो डॉकर इमेज बिल्ड आपने लिखा, और उसके बाद यहां पर डैश टी आपको डिफाइन करना है, टी फॉर टैग। और यहां पर अगर मैं इसको सर्च करूं, डॉकर इमेज बिल्ड अगर मैं सर्च करूं, तो यहां पर डॉकर फाइल में यहां पर आपको इसमें आ जाएगा बेसिकली डॉकर इमेज बिल्ड। टी का मतलब होता है टैग, और इमेज नेम कॉलन टैग नेम। यहां पर एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, अकाउंट स्लैश, ठीक है ना, अकाउंट स्लैश। अब ये कौन सा अकाउंट? आपके डॉकर हब का अकाउंट। सो आपको hub.docker.com पे जाना है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? साइन अप करना है। यहां पर आपको ईमेल एड्रेस, या आप चाहें तो गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, तो मैं साइन इन कर लेता हूं। अब जैसे ही मैं यहाँ साइन इन करता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे अपना बेसिकली क्या मिल जाएगा? मुझे अपना अकाउंट नेम मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं यहां से लॉग इन किया मैंने, और देखिए मैं सक्सेसफुली डॉकर हब पे लॉग इन हो गया हूं। मुझे अगर अपना अकाउंट नेम पता करना है, तो ये रहा मेरा अकाउंट नेम, ठीक है ना। यहां पर मेरा अकाउंट नेम आ जाएगा। तो यहां पर आप अपने पीपीटी के अंदर इसको इस तरीके से बनाएंगे, ओके लैब्स स्लैश इमेज का नाम कॉलन वर्जन। और बेसिकली आप क्या यूज कर सकते हैं कि आपको वो इमेज जिस फाइल से बिल्ड करनी है, वो डॉकर फाइल कहाँ पड़ी हुई है। तो डायरेक्टरी का मतलब ये हो गया कि वो डॉकर फाइल कहाँ पड़ी हुई है और उसको आपको बिल्ड करना है। सो यहां पर डॉकर इमेज बिल्ड और डैश टी, डॉकर इमेज बिल्ड डैश टी, और आपको ये कमांड सप्लाई करनी है। सो डॉकर इमेज बिल्ड डैश टी, मेरे डॉकर हब का अकाउंट नेम क्या है? ओके लैब्स। तो मैंने ओके लैब्स लिखा। उसके बाद मुझे क्या करना है? स्लैश लगाना है, क्योंकि मैं सिंटैक्स के हिसाब से चलना चाहूंगा। मेरे अकाउंट नेम क्या है? ओके लैब्स। इमेज का नाम आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इमेज का नाम ले लिया अनिल इमेज, ठीक है ना, कोलन।
टैग का नाम भी मैं खुद दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने टैग का नाम क्या दे दिया, T1, और उसके बाद डॉकर फाइल का एड्रेस देना होता है। तो अगर डॉकर फाइल करंट फोल्डर में ही है तो आप डॉट लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आप अगर डॉट लगाएंगे तो आपकी बेसिकली वो इसी लेवल पर, यहां पर ये देखिए उसने इमेज बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर मैं अगली कमांड डॉकर इमेज एलएस करूं तो आप देखिए कि मैंने एक इमेज सक्सेसफुली बना दिया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको एक सक्सेसफुली इमेज बनाना है और उसमें उससे आपको कंटेनर बनाना है। अब मान लीजिए मैंने ये एक इमेज बनाई और अब इस इमेज से अगर मैं कंटेनर बनाऊंगा और उस कंटेनर को चालू करूंगा तो वो कंटेनर चलेगा नहीं, वो इश्यू मैं आपको बता देता हूं। सो डॉकर कंटेनर क्रिएट, और यहां पर मैं कंटेनर क्रिएट करना चाहता हूं जिसमें मैं पोर्ट मैपिंग भी दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे 8080 से इंटरनल मुझे बेसिकली मुझे रन करना है, और मेरी इमेज का नाम और कॉलन टैग का नाम मैं स्पेसिफाई कर देता हूं तो मेरा कंटेनर तो बन जाएगा। ये देखिए कंटेनर तो बन गया, मगर ये कंटेनर चालू नहीं होगा अगर मैं डॉकर स्टार्ट करूं इसको। डॉकर कंटेनर स्टार्ट करूं और मेरे कंटेनर का नेम मैं स्पेसिफाई कर देता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा कंटेनर फेल हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। ये डॉकर पीएस ए किया तो देखो एग्जिट हो गया। अभी एग्जिट क्यों हुआ, इसका रीजन आपको अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो docker log -f और कंटेनर का नेम आप सप्लाई करेंगे तो आपको पूरा इसकी डिटेल पता चल जाएगी, जिसकी अभी डिटेल हमें नहीं पता चल पा रही है कि ये एग्जिट क्यों हुआ। तो मैं रीजन आपको ये बता रहा था कि डॉकर फाइल में सिर्फ हमने अभी एक ही इंस्ट्रक्शन लिखा है जिससे इमेज तो बन जाएगी मगर उस इमेज का आप कंटेनर चालू नहीं कर सकते। इमेज का उसको अप एंड रनिंग रखने के लिए आपको बेसिकली एक बेसिक इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूं कि एटलीस्ट कितना इंस्ट्रक्शन आपको एक डॉकर फाइल में लिखना पड़ेगा जिसके थ्रू आप उस कंटेनर को अप एंड रनिंग रख सकते हैं। सो यहां पर एक शीट मैंने बना रखी है 679 पर, हाउ टू क्रिएट उबंटू कंटेनर ऑलवेज अप एंड रनिंग, ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि डॉकर फाइल से मैंने एक डॉकर फाइल बनाई, उस डॉकर फाइल से जो मैंने कंटेनर बनाया वो कंटेनर किसी कारणवश नहीं चल पाया, तो मुझे इस शीट पर जाना पड़ेगा और इस शीट पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन और देखने होंगे कि बेस इमेज लेने के साथ साथ आपको उस कंटेनर के अंदर आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि बगैर अपाचे के कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सो अगर मैं आपको यहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बताऊं, अगर मैं आपको यहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बता दूं, लास्ट शीट पर मैं गया और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी मैं आपको अगर गाइड कर दूं प्रॉपर, तो किसी भी सर्वर पर जब तक अपाचे वेब सर्वर नहीं है तब तक आप आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आप उबंटू का कंटेनर बना रहे हैं इस कंटेनर के अंदर क्या होना जरूरी है, अपाचे वेब सर्वर। तो हमारा काम है अपाचे वेब सर्वर को इस कमांड के थ्रू इंस्टॉल करना। सो इस कमांड के थ्रू मैंने अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल किया। वापस से मैं अपनी डॉकर फाइल को एडिट करता हूं, आई फॉर इंसर्ट मैंने किया और यहां से मैंने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर रहा हूं, उसके बाद मैं अपाचे को इंस्टॉल कर रहा हूं और मेरे अपाचे में जो मेरी वेबसाइट चलेगी वो पोर्ट 80 पर चलेगी, ठीक है ना। अपाचे जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो चलेगा वो पोर्ट 80 पर वेबसाइट को सर्व करता है, इसलिए मुझे अपाचे के पोर्ट 80 को एक्सपोज करना होगा। उसके बाद क्या कर सकता हूँ, अपाचे को बैकग्राउंड में चलाना पड़ेगा, जैसे मैनुअल स्टार्टिंग में आप अपाचे कंट्रोल स्टार्ट, सिस्टम कंट्रोल स्टार्ट अपाचे, और बेसिकली उसका डीमन आप अपाचे का डीमन आप स्टार्ट करते थे, उसी तरीके से अपाचे को अब आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में आपको रन करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये कमांड आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, cmd apache control dash d एंड देन foreground, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या किया, इसको यहां से मैं इस इमेज को लिया। अब मैं यहां से डॉकर इमेज ls किया, मैंने ऑलरेडी मेरी दो इमेजेस बनी पड़ी है, इन दोनों इमेजेस को मैं रिमूव करना चाहूंगा। कैसे रिमूव करेंगे,
डॉकर इमेज आरएमआई और इमेज की आईडी, ठीक है। और मैं आज नया बता देता हूं, शॉर्टकट के लिए डॉकर डॉलर डॉकर इमेज डैश क्यू अगर आप सप्लाई करेंगे तो आपको इमेज आईडी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इसी कमांड को मैं ऐसे लिखूं डॉकर इमेज ls डैश क्यू अगर मैं लिखूं तो देखिए इमेज आईडी मेरे पास आ गई है, इमेज आईडी मेरे पास आ गई है। तो अब इसी कमांड को मैं किस में सप्लाई कर सकता हूं, डॉकर इमेज आरएमआई। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, सभी इमेज को फोर्सफुली रिमूव करना चाहता हूं, तो यहां पर डॉकर इमेज ls डैश क्यू। तो क्यू का मतलब क्वाइट मोड होता है जिसमें आपको सिर्फ उसकी आईडीज दिखाई देंगी। तो यहां पर जैसे ही आप देखिएगा, जैसे ही मैं अब इंटर करूंगा तो मेरे सारे कंटेनर्स रिमूव हो गए, इमेजेस रिमूव हो गई है, डॉकर इमेज ls किया, एक भी इमेज नहीं बची। कंटेनर देख लेते हैं, डॉकर कंटेनर ps डैश ए किया मैंने, एक कंटेनर अभी एग्जिटेड मोड में है। वापिस से मैं डॉकर कंटेनर rm और कंटेनर का नेम या कंटेनर की आईडी देके हम इसको कंटेनर को भी रिमूव कर सकते हैं। तो दो चीजें आपको चेक करनी है, कंटेनर रिमूव हुए कि नहीं हुए और इमेजेस रिमूव हुई कि नहीं हुई। डॉकर इमेज ls सारी इमेज चली गई, डॉकर कंटेनर ps डैश ए सारे कंटेनर चले गए। अब मुझे दोबारा उस शीट पर आना होगा, हमारी जो 150 के आसपास जो शीट है इंपॉर्टेंट, उस शीट पर आना होगा। डॉकर फाइल से हम बनाने जा रहे हैं एक इमेज, और उस इमेज को, इमेज से हम कंटेनर बनाएंगे और कंटेनर को लॉन्च करेंगे। सो यहां पर देखिए डॉकर इमेज ls किया मैंने, एक भी इमेज नहीं है। अब मैं करूंगा डॉकर इमेज बिल्ड डैश टी और अकाउंट का नेम। सो यहां पर वापिस से मैं डॉकर, मैंने सर्च किया डॉकर इमेज बिल्ड में सर्च करूं तो यहां पर ये सिंटेक्स आ जाएगा। इस सिंटेक्स को देख के आपको अपनी इमेज बिल्ड करनी है। सबसे पहले अकाउंट नेम देना है, उसके बाद आपको इमेज नेम देना है। सो फॉर एग्जांपल अनिल इमेज मैंने दे दिया कॉलन, उसके बाद आपको टैग नेम देना है। तो टैग नेम में आप t1 t2 t3 कुछ भी टैग दे सकते हैं। उसके बाद आपकी डॉकर फाइल कहां पड़ी हुई है उसका एड्रेस, तो उसका एड्रेस है करंट डायरेक्टरी। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी के अंदर आपकी डॉकर फाइल पड़ी हुई है। अब आप देखिए यहां पर ये पुल करने लग गया दोबारा, और उस इमेज से मेरा एक कंटेनर इस बार मैं अब बनाऊंगा। ये देखिए अपाचे उस कंटेनर के अंदर इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है ना, अपाचे उस कंटेनर के अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है। पूरा इंस्टॉल होने देते हैं, बिल्कुल लास्ट में आप चले जाना डन, और ये हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा क्या हुआ, इमेज बन गई। अब इमेज को फर्दर डॉकर इमेज ls से चेक किया, ये देखिए oklab/anilimage:t1 मेरी इमेज बन गई है। वापिस से हम शीट पर आए तो यहां पर मेरे पास मैंने एक इमेज बना दी है, और इमेज से अब मुझे कंटेनर बनाना है। तो मैं यहां पर दो स्टेप में भी चल सकता हूं और एक सिंगल स्टेप में भी चल सकता हूं। तो सिंगल स्टेप से चलने के लिए आप डॉकर रन डैश डी पोर्ट नंबर आप स्पेसिफाई करेंगे 8080:80, ठीक है ना। तो जो डॉकर फाइल में जो आपने एक्सपोज लिखा था 80 वो आपका यहां होना चाहिए, और ये बेसिकली आपको जिस होस्ट पोर्ट से आपको उसको एक्सेस करना है। तो यहां पर मैं इस इमेज को लिया कॉलन और टैग को लिया मैंने t1 और इंटर करता हूं। तो ये डॉकर रन जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉकर डॉकर पुल डॉकर स्टार्ट डॉकर क्रिएट एंड डॉकर स्टार्ट, ये तीन कमांड्स का कॉम्बिनेशन है। तो मैं सिंगल एक ही कमांड में देखिए मैं बिल्ड करके बता रहा हूं। अब जैसे ही मैं यहां पर डॉकर ps डैश ए करूंगा तो देखिए मेरा कंटेनर अप एंड रनिंग है, मेरा कंटेनर अप एंड रनिंग है।
सबसे पहला काम है सर्वर की आईपी पता करना, होस्ट नेम डैश आई, पहला जो आईपी लिया कॉपी किया, ब्राउजर में मैं गया, कोलन लगाया ब्राउजर में, फाइनली मैंने क्या लगाया कोलन लगाया, और एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट मैंने पिक किया और पेस्ट किया और इंटर किया, और देखिए अपाचे का डिफॉल्ट पेज आ गया। अगर अपाचे का डिफॉल्ट पेज आ गया मतलब सक्सेसफुली आपने क्या किया, इसको लॉन्च कर दिया, आपका कंटेनर अप एंड रनिंग है। अब अपाचे अपाचे के अंदर अगर आपको वर्क करना है, डिफॉल्ट पेज में वर्क करना है, तो एड्रेस है वार www.html, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी ये सेट हो जाए, ठीक है ना। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इस कंटेनर के अंदर जाके देखते हैं। तो कंटेनर के अंदर जाने के लिए डॉकर कंटेनर एग्जैक्ट इंटरेक्टिव मोड में जाना है, उसके बाद कंटेनर की आईडी या फिर कंटेनर का नेम, और उसके बाद शेल। अब आप में से जो बच्चे ये पूछेंगे, सर ये कैसे किया यार, मैंने प्रीवियस क्लास में सिंटेक्स वाइज बता रखा है, मैं दोबारा वापिस से पीपीटी ओपन करके डॉकर कंटेनर एग्जैक्ट में यहाँ पर लिखूं, और हाउ टू गो इनसाइड द कंटेनर वाला टॉपिक में प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। तो कंटेनर के अंदर जाने के लिए ये कमांड मैंने यूज करी। अब देखिए जैसे ही कंटेनर के अंदर गया, तो मैं गया तो गया कहां पर, वो आपको पीडब्ल्यूडी से पता करना होगा। कहां पर मैं चला गया, डायरेक्ट रूट पे चला गया। अब मुझे चाहिए था कि जैसे ही मैं कंटेनर में एंटर करूं, मैं डायरेक्टली कहां जंप कर जाऊं, वार www.html के अंदर जंप कर जाऊं। उसके लिए आपको अपनी डॉकर फाइल, मैं यहां से एग्जिट कर रहा हूं, उस डॉकर फाइल को हम वापस से एडिट करेंगे, और उस डॉकर फाइल को हम एग्जिट करेंगे, और यहां पर अगला फ्लैग हम यहां पर देंगे वर्क डायरेक्टरी का। यहां पर मैंने आई प्रेस किया और वर्क DIR, और ये वर्क DIR मैं सेट कर देता हूं वार www.html, ठीक है ना। तो मैंने अपना वर्क डायरेक्टरी क्या सेट कर दिया, वार www.html। अब मैं इस फाइल को मैं सेव करूंगा, इस फाइल को मैंने सेव किया, इस फाइल को सेव किया। आप देखिए कि पहले क्या हो रहा था, कंटेनर में एंटर करते ही रूट पे जा रहा था। अब मैं इस डॉकर फाइल से फिर से दोबारा एक और इमेज बनाऊंगा, मैं अपने अप एरो का यूज करने जा रहा हूं, मैं अपने अप एरो की का यूज करने जा रहा हूं, और अब इमेज बनाऊंगा मैं T2, ठीक है ना। अब मैं इमेज कौन सी बनाने जा रहा हूं, T2, डॉकर इमेज बिल्ड -t अकाउंट नेम / इमेज नेम : टैग नेम एंड द लोकेशन ऑफ द डॉकर फाइल। ये देखिए दोबारा क्या हुआ, मेरा ये बन गया इमेज। अब मैं उसको दोबारा रन करूंगा, डॉकर में इमेजेस चेक करना चाहता हूं, डॉकर इमेज एलएस किया, तो इस बार मेरे पास दो इमेज आ गई, अनिल इमेज T1, अनिल इमेज T2। अब मुझे T2 से क्या करना है, कंटेनर बनाना है। तो मैं दोबारा किसका यूज कर सकता हूं, मैं डॉकर रन का यूज कर सकता हूं। इस बार मैं 8080 की बजाय क्या यूज करूंगा, 8081 यूज करूंगा, और टैग की जगह T1 की जगह मैं क्या करूंगा, T2 यूज करूंगा। देखिए मेरा कंटेनर बन गया। अब मैं डॉकर ps-a करूंगा तो दोनों कंटेनर अलग अलग पोर्ट पे चल रहे हैं, एक कंटेनर 8080 पर चल रहा है तो दूसरा कंटेनर 8081 पर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो कंटेनर सेम पोर्ट पे चल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होने पर कंफ्लिक्ट आता है और कंटेनर चल ही नहीं पाएगा। तो हर कंटेनर को आपको सेम आईपी देना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट, आपको डिफरेंट आईपीज देनी है। अब देखना इस 8080 वाले कंटेनर के अंदर अगर मैं जाता हूं तो मैं कहां पर एंटर करता हूं, डॉकर कंटेनर एग्जैक्ट -it कंटेनर का नेम या फिर कंटेनर की आईडी, और उसके बाद शेल कौन सा यूज करना है, मुझे बैश यूज करना है। देखना यही कमांड इससे पहले मैंने जब एंटर करी थी कहां पर एंटर कर गया मैं, डायरेक्ट वार www.html के अंदर, और इससे पहले कहां एंटर किया था, स्लैश पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कैसे आई, ये वर्क DIR से आई, वर्क डायरेक्टरी से ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई हैं। तो ये वर्क डायरेक्टरी जो है मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। सो बेसिकली यहां पर मैं इसके अंदर एक और ऐड कर देता हूं ताकि पीपीटी से ही आपको मिल जाए वर्क DIR, और मैं वर्क DIR क्या ले लूं, वार WW एंड देन HTML। डिफरेंस समझ में आया, अगर आप वर्क DIR नहीं दोगे तो आप कंटेनर के अंदर कहां पर पहुंचोगे, रूट पे। अगर वर्क DIR दोगे तो डायरेक्ट कंटेनर के अंदर कहां पहुंचोगे आप, वार WW HTML के अंदर। अब देखिए मैं यहां पर कंटेनर के अंदर हूं,
अब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप किसी कंटेनर के अंदर है तो बाहर कैसे आए, ठीक है ना। कंटेनर के अंदर जाने के लिए तो डॉकर एग्जैक चले गए अंदर, और बाहर आने के लिए सिंपल एक कमांड होती है एग्जैक एग्जिट। ये देखो उस कंटेनर से बाहर आने के लिए एग्जिट कमांड, और कंटेनर के अंदर जाने के लिए डॉकर एग्जैक, डॉकर एग्जैक डैश आईटी कंटेनर का नेम, और फिर हमें कौन सा शेल यूज करना है, और हम यहां पर आ गए। अब यहां पर मैं एल एस डैश एल करूं, और यहां पर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, इसको एडिट करना है हमें। इसको मैं एडिट करना चाहूंगा विम के थ्रू, विम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इस कंटेनर के अंदर विम अवेलेबल नहीं है, जो कंटेनर बना है उसके अंदर विम अवेलेबल नहीं है। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम कंटेनर बना रहे हैं, हमने अपाचे इंस्टॉल किया, तो हमें अपाचे के साथ साथ एक चीज और क्या इंस्टॉल कर लेनी चाहिए, हमें अपाचे के साथ साथ विम को भी इंस्टॉल कर लेना चाहिए। समझ में आया? सो एपीटी गेट इंस्टॉल डैश वाई विम एंड देन अपाचे टू। सो वापिस से मैं गया, कंटेनर से बाहर निकला। अब मैं अपनी विम कमांड से मैं डॉकर फाइल को एडिट करता हूं, और मैंने अपनी डॉकर फाइल को एडिट कर रहा हूं, मैंने आई प्रेस किया, और बेसिकली यहां पर मैंने किया डैश वी, और एक और मैंने लगा दिया विम लगा दिया, ठीक है ना। मैं दोबारा इमेज बनाने जा रहा हूं, डॉकर इमेज। अब मैंने कौन सा टैग दे दिया, T3, ठीक है ना। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए अगर आप चेंजेस कर रहे हो डॉकर फाइल में, तो इमेज बनाते समय आप टैग चेंज करते चलो, T1, T2, T3 ऐसे करना है। तो देखिए अब मैंने ये नया टैग ले लिया। अब इस नए टैग में मेरे पास क्या इंस्टॉल हो जाएगा, विम भी साथ में आ जाएगा। विम अलग से मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो विम इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसका कंटेनर बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, और देखते हैं कि क्या मुझे विम मिला कि नहीं मिला अंदर। और मीनवाइल मैं यहां पर टैब ओपन कर लेता हूं, एक वेबसाइट मैंने, एक अपाचे का कंटेनर मैंने 8080 पे चला रखा है, तो दूसरा 8081 पर, दोनों पे अपाचे के पेज चल रहे हैं, ठीक है ना। अब तीसरा देखना आप, ठीक है ना। ये हो गया, इमेज बन गई। अब इमेज से मुझे क्या बनाना है, कंटेनर बनाना है। कंटेनर बनाने के लिए डॉकर रन डैश डी, और ये हमने यूज किया, और यहाँ पोर्ट नंबर 82 यूज करूंगा मैं, और टैग कौन सा ले लूंगा, T3। ये देखिए कंटेनर बन गया, डॉकर पीएस डैश ए किया, 82 पर मेरा कंटेनर चल रहा है। इस कंटेनर के अंदर जाने के लिए मुझे डॉकर एग्जैक कमांड यूज करनी है, और यहां पर मुझे कंटेनर का नेम या फिर कंटेनर की आईडी। तो कंटेनर 82 पे कौन सा चल रहा है, ये वाला। सो ये मैंने एडमायरिंग पॉइंट केयर, सो ये मैंने यहां पर, देखिए यहां पर चला गया। अब मैं देखिएगा इस कंटेनर में विम कमांड एल एस डैश एल करूं, इसके अंदर क्या है पता लगाते हैं। इंडेक्स फाइल है, वो फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इज द फाइल। यू कैन सी हियर आई वॉन्ट टू एडिट दिस फाइल, आई विल यूज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। राइट नाउ माई विम एडिटर इज अवेलेबल। प्रीवियसली द विम कमांड नॉट फाउंड, बट दिस टाइम विम ऑटोमेटिकली ओपन। अब यहां पर मुझे क्या करना है, सारे कोड को हटाने के लिए स्केप कॉलन परसेंट डी इंटर, सारी लाइंस को मैंने किया, और मैंने यहां पर लिखना है, इंसर्ट करके लिखना है, इट वर्क्स फ्रॉम पोर्ट नंबर जो है 83 है, पोर्ट नंबर जो 83 है वो आपको यहां पर लिखना है, इट वर्क्स फ्रॉम पोर्ट 8083। पोर्ट नंबर आपने लिखा, इसको सेव किया, और अब जाके एक और नया टैब हमें ओपन करना है, और 8083, एंड यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर हम किस पोर्ट पर हैं। बेसिकली डॉकर पीएस डैश ए मैंने किया, और 82 पर चल रहा है, ठीक है ना। तो कंटेनर के अंदर जाएंगे, ये मैंने कंटेनर के अंदर गया, विम किया मैंने, विम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और 83 से अब क्या लिखूंगा मैं, 82 मैंने लिखा, सेव किया, और यहां से 83 की बजाय मुझे लिखना है 82। इट वर्क्स फ्रॉम 8082। आपको यही करना है, हर स्टूडेंट को कम से कम 10 कंटेनर्स बनाने हैं। सब में आपको ये वाला हिट करने पर ये मैसेज आना चाहिए, 83 हिट करने पर 83 आना चाहिए यहाँ पर,
तो हर कंटेनर के अंदर जा जाके आपको एडिट करना होगा, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, कंटेनर से बाहर निकलने के लिए एग्जिट। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि आप, है ना, स्क्रीनशॉट डालो, इसको हाईलाइट करो और बोलो वहां लेबल में, लिखो कि टू एग्जिट फ्रॉम दिस कंटेनर वी विल यूज द एग्जिट कमांड। ये आपको करना है, जो जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है लेक्चर के अंदर वो उसको आप, है ना, व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट में आप लेबल्स के फॉर्मेट में देंगे, तो वो मैंने दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जब भी मुझे फाइल को एडिट करना पड़ रहा है, अनिल डॉलर में गया मैं, ठीक है ना, मैं बेसिकली डॉकर फाइल से, मैंने क्या बताया, मैंने डॉकर फाइल से आपको, आज मैंने डॉकर फाइल से मैंने क्या बताया, आज मैंने डॉकर फाइल से आपको इमेज बनाना सिखाया, ठीक है ना। ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली शीट। डॉकर फाइल से मैंने आपको क्या सिखाया, एक इमेज, उस इमेज से फिर मैंने डॉकर रन कमांड से कंटेनर लॉन्च करवा दिया, और उस कंटेनर को अलग अलग पोर्ट पे हमने टेस्ट करके देख लिया। यहाँ पर अभी भी वही आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर भी अभी भी वही आउटपुट आ रहा है, मगर 8082 पर हमने कंटेनर के अंदर जाके उस इंडेक्स फाइल को विम से एडिट करके, और उस पर जो पोर्ट नंबर है वो के वही मैसेज आ रहा है। तो विम बताइए, कंटेनर के अंदर जाके मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ा, या बाहर जो इनिशियली डॉकर फाइल है उसी के अंदर हमने इंस्टॉल इमेज बनाते समय ही इंस्ट्रक्शन दे दिया था? हमें, हमने पहले ही इमेज बनाते समय ही हमें पता था कि इस कंटेनर में हमें किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी, हमें अपनी फाइल को एडिट करना पड़ेगा, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें विम की जरूरत पड़ेगी। तो इमेज बनाते समय ही वो पैकेजेस मैंने क्या कर दिए, उस कंटेनर के अंदर पहले से इंस्टॉल कर दिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये बेसिक कमांड है, ये आपको करनी है, हर स्टूडेंट को यूज करना है। कोई स्टूडेंट 60,000 से स्टार्ट करेगा, 60,001, 60,002, कोई 70,000 से स्टार्ट करना, कोई 80,000 से स्टार्ट करना, कोई 90,000 से स्टार्ट करना। तो बेसिकली आपको 9,000 से स्टार्ट करना, 8,000 से स्टार्ट करना, 7,000 से स्टार्ट करना, बट आप कोई सा भी पोर्ट बेसिकली 66,000 नहीं ले सकते, क्योंकि पोर्ट की रेंज होती है 65,000 अप्रॉक्स। तो कोई भी पोर्ट नंबर आप 65,000 से बिलो ही लेके चलना है आपको, ठीक है ना। तो जनरली आपको इस तरीके से कंटेनर बना बना के एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, और इसमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा आपको। किस चीज में कंफर्टेबल होना पड़ेगा, कि बेसिकली डॉकर फाइल से हम इमेज कैसे बना सकते हैं, इमेज से हम कंटेनर कैसे लॉन्च कर सकते हैं अलग अलग पोर्ट पे, और हमें यह भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि कंटेनर के अंदर कैसे जाना है और कंटेनर के बाहर कैसे आना है। बाहर आने की तो सिंपल कमांड है एग्जिट, जैसे ही एग्जिट लिखोगे कंटेनर से कहाँ आ जाओगे, बाहर आ जाएंगे। और कंटेनर के अंदर जाने के लिए ऑलरेडी मैंने कमांड बता रखी है, डॉकर कंटेनर एग्जैक फिर डैश आईटी कंटेनर नेम या कंटेनर आईडी एंड देन द शेल। सो आई वांट टू यूज द बैश शेल, सो आई विल यूज दिस एंटायर कमांड। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आप किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कंफर्टेबल तो होना होगा आपको, प्रैक्टिस तो करनी होगी, थोड़ा टफ लगेगा। आप सभी ध्यान रखिए, जितनी आसान चीजें आप सीखोगे ना, उतना मार्केट में कंपटीशन आपके लिए बहुत होगा। जितनी टफ चीजें अभी से सीखने लग जाओगे ना, मार्केट में कंपटीशन ही नहीं होगा, क्योंकि आप एक लौते ऐसे व्यक्ति होंगे या आप एक ऐसे पर्सन होंगे जिसको उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप ही को पता होगा, बट ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं जो इंडस्ट्री में होंगे बहुत कम होंगे। तो आपकी वैल्यू वहां क्रिएट होगी जहां पर इंडस्ट्री में जो टफ चीजें आप सीखोगे ना, जो इंडस्ट्री में डिमांड है, वो उन चीजों में आप अपनी जॉब को अच्छी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। तो लाइक अगर हम सभी वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम भी वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे, तो हमें कॉम्पिटिशन फेस करना होगा। हम चाहते हैं कि हमें कॉम्पिटिशन फेस ना करें, हमारा रिज्यूमे इतना सॉलिड बने कि हमें सब कुछ आए बेसिकली, कि हम वेबसाइट डिजाइन से लेके उस वेबसाइट को इंटरनेट पर पब्लिश करना, एसएसएल करना, डॉकर के थ्रू उसको, उस एप्लीकेशन को रन करना, जेनकिंस के थ्रू उसका CI/CD पाइपलाइन बिल्ड करना, मतलब एक ओवरऑल सुपरविजन किसी भी प्रोजेक्ट का हमें होना चाहिए।
तो आप सभी इस लेक्चर को फॉलो करना, और कम से कम 10-10 डिप्लॉयमेंट अलग अलग पोर्ट नंबर पर आप सभी को कंटिन्यू करने हैं। थैंक यू वेरी मच।